हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। कैसे हैं आप लोग, कैसे आपकी तैयारी चल रही है? सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के सेशन में, जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि अब हम आप लोगों के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो FSSA एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि स्टूडेंट्स की FSSA एग्जाम में जो आपका फूड साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मोर और लेस सेम ही पैटर्न पर लाइक कर रहे हैं, राइट? तो वही डिस्कशन यहाँ पर क्वेश्चन का होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट कर चुके हैं, इस सेशन का सब बन चुके हैं, एक बार आप सभी जाकर जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और साथ साथ में क्लास को शेयर भी कर देंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन की शुरुआत से पहले आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ, 1 नवंबर से बेस्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? 1 नवंबर से बेस्ट स्टार्ट हो चुका था और इसमें अभी तक आपके 2 ही क्लासेस हुई है दिवाली का ऑफ, ठीक है? दिवाली के ऑफ की वजह से क्लासेस अभी नहीं, आपकी क्लासेस मंडे से फिर दोबारा से कंटिन्यू होने वाली है। अगर आपको इन एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है, थियोरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस एक साथ आपको सारी चीजें एक ही जगह पर चाहिए, तो आप इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। और जो आप इन बैचेस में एडमिशन लेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, Y344 कूपन कोड लगाना है। Y344 कूपन कोड लगाकर अगर आप इन बैचेस में एडमिशन लेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कितना? अगर आप ऐप से विजिट कर रहे हैं, अगर आप Under 24/7 के ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं प्ले स्टोर से, उसके बाद फिर इस बैच में एडमिशन ले रहे हैं, तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 78%। वेयरएज अगर आप गूगल क्रोम से ओपन करके तब जाके बैच में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 77% का। तो भाई देख लो, जहां पे फायदा है उसी चीज की तरफ जाओ और इन बैचेस में एडमिशन लेके अपनी तैयारी को अच्छे से कर लो। चलिए, ये सभी बैचेस 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, तो यू कैन ज्वाइन बैचेस नाउ ऑल्सो। अभी भी आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो, सिलेक्शन को बिल्कुल फिक्स कर सकते हो कि हाँ, डिटरमाइन हो सकते हो तैयारी को लेकर, सिलेक्शन को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग के सेशंस की बैचेस हैं, ई बुक्स हैं, आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज है रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए। एंड इन द सेम वे यहाँ पर भाई आप लोगों के लिए क्या अवेलेबल भी है, डेली बेसिस पर क्विज भी अपडेट की जाती है। Under 24/7 की ऐप को इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से और वहां पर आप लोग के लिए डेली बेसिस पर क्विज भी अपडेट की जाती है, जिसको आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना डेली बेसिस पे चेकआउट करने के लिए कि कितना आपको समझ आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितना टाइम आप ले रहे हो हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आने से पहले, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट कर चुके हैं, अगर आपने क्लास को लाइक अभी तक नहीं करा है तो लाइक कर दो और साथ साथ में सेशन को शेयर भी कर दो। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करने के लिए, राइट? तो देखो, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? अभी जो सिक्वल आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ डेली बेसिस पर। जैसे जब हमने फूड प्रिजर्वेटिव सेशन ओवर कर दिया था, उसी के बाद मैंने आप लोगों का ये वाला सेशन स्टार्ट किया था, ठीक है? जिसमें मैं आप लोगों को क्या करा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन देखने से कुछ और लगता है, लेकिन ऑप्शंस के साथ देखो उसको कि वो कैसे उन ऑप्शंस के साथ लाइक कर रहा है और क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। तो हैन एंड चिकन डिसऑर्डर, ठीक है, कौन से पर्टिकुलर फ्रूट के साथ एसोसिएटेड है? आपको नाम से देखकर लग रहा होगा कि ये तो कोई आपका एनिमल डिजीज है। नो, ये कोई एनिमल डिजीज नहीं है भाई, ये आपका इन फ्रूट्स में होने वाला एक डिसऑर्डर है, ठीक है? इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इस डिसऑर्डर में जैसे आप लोगों ने ग्रेप्स में देखा होगा, ठीक है, अंगूर जो होते हैं, अंगूर से आपको टैटरिक एसिड मिलता है। अंगूर के अंदर मेजरली जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ग्रेप्स के अंदर, दैट आर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है और साथ में इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका मैलिक एसिड, राइट? ये चीज क्लियर है आप लोग को भाई, ये तो हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस कर ही रहे हैं। चलिए, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, दोनों एडिबल हैं, पोर्टेबल हैं, इनको आप कंज्यूम कर सकते हो, आपकी हेल्थ पर कोई बैड इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर हम बात करें हैन एंड चिकन डिसऑर्डर के बारे में, व्हाट विल हैपन इन दैट, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, फ्रूट्स का जो साइज है, जो आपका ग्रेप्स है उनका जो साइज है, वो आपका स्मॉल स्मॉल होने लग जाता है, मतलब छोटे छोटे अंगूर आते हैं, पूरा जो पूरा विटिकल्चर किया जा रहा है, ग्रेप्स का पूरा कल्टीवेशन किया जा रहा है, वाइन्स को डेवलप किया जा रहा है, तो वहां पर जो ग्रेप्स डेवलप होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर को कहा जाता है हैन एंड चिकन डिसऑर्डर। और इस डिसऑर्डर में इसका मेजर अगर रीजन हम लोग देखें कि कैसे
क्यों आपका ग्रेप्स का साइज इतना स्मॉल हो रहा है, तो रीजन फॉर दैट इज, इसके पीछे का कारण है, क्या कारण है, बोरोन की डेफिशिएंसी हो जाना. ठीक है, बोरोन की डेफिशिएंसी हो जाना इज अ रीजन फॉर दैट. ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर ये सारी चीजें देख लो भाई, ओनली अ फ्यू सीडेड बेरीज टेस्ट. ठीक है, कुछ ही ऐसे होते जो सीडेड बेरीज होते, अदरवाइज ज्यादातर जो बेरीज होते वो स्मॉल या फिर सीडलेस हो जाती है अंदर से, जिसको ना ही तो आप कंज्यूम करके आपको कोई न्यूट्रिशन मिलने वाला है, ना ही कुछ यम और डिलीशियस आपको फील होने वाला है. ठीक है, इसका मेजर रीजन है बोरोन की डेफिशिएंसी होना. और अगर हम बात करें वेजिटेबल्स के केसेस में, फ्रूट्स के केसेस में तो ये हो गया, वेजिटेबल के केसेस में भी ये हैन एंड चिकन डिजीज होती है. कौन से वेजिटेबल के अंदर होती है, दैट इज इन पम्पकिन एंड पी. ठीक है, मटर के अंदर और पम्पकिन के अंदर भी ये डिसऑर्डर होता है, और इसी डिसऑर्डर का सेकेंड नेम क्या है, आपका मिलर एंडेस डिसऑर्डर. ठीक है, तो आपको दोनों नाम इस डिसऑर्डर के याद रखने हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस को मार्क करना है. नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये रहा आप लोग का सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, ये रहा आप लोग का सेकंड क्वेश्चन. ये चारों टर्म्स देखने में मोर और लेस सिमिलर लग रहे हैं, क्योंकि एक वो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद व्हाट विल हैपन. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. द पॉइंट एट विच द ड्राइड प्रोडक्ट्स जस्ट बिकम लंपी इज नोन एज. ठीक है, ड्राइड प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, बिल्कुल ड्राइड प्रोडक्ट्स आपने ले रखे हैं, उनको प्रिजर्व किया है आप लोगों ने. ठीक है, ताकि आप उसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सके, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया है. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है द पॉइंट एट विच द ड्राइड प्रोडक्ट जस्ट बिकम लंपी इज नोन एज. उस पॉइंट पर जब ड्राइड प्रोडक्ट लंपी हो जाते हैं, यानी कि लंप्स जैसे फॉर्म होने लग जाते हैं और वो कंज्यूमेबल नहीं रहते हैं, ड्राइड प्रोडक्ट्स और कुछ टाइम के बाद लंप्स बनने लगे, फॉर एग्जांपल चीनी में ही लगा लीजिए, लंप्स बनने लग जाते हैं. ऐसे ही आपका अदर जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बिल्कुल ड्राई है, मॉइस्चर कंटेंट हटा दिया है, कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं बचा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि उनमें लंप्स फॉर्म होने लग जाते हैं. तो किस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ऐसा होता है, तो दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिसके बाद ऐसा चीज होती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर्स इन हनी. आप मार्केट से हनी लेकर आते हो, यस, मार्केट से ही हनी लेकर आते हैं. ठीक है, नेचुरली भी हनी का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, जो आपकी हनी बीज होती हैं, हनी बीज का रेयरिंग करना, हनी बीज का पालन करना, ताकि आप उनसे लार्ज स्केल में हनी को गैदर कर सके. ठीक है, लार्ज स्केल में हनी को गैदर कर सके, तो ये क्या कहलाता है, गैदरिंग, रियरिंग ऑफ हनी बीस टू कलेक्ट हनी इज, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, दैट इज एपिकल्चर. ओके, इसको एपिकल्चर कहा जाता है, कल्चरिंग एंड रियरिंग ऑफ हनी बीस. अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपने हनी बी को, हनी बी से हनी को कलेक्ट कर लिया है एंड यू वांट टू प्रोड्यूस इट ऑन लार्ज स्केल, और आपको उसको डब्बे में पैक करके, जो आपका डाबर हनी हम लोग कंज्यूम करते हैं, पतंजलि का हनी हम लोग कंज्यूम करते हैं, आप उसको सील पैक डब्बों में आपने उसको बंद कर दिया, कैनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके आपने उसको स्टोर करने का सोच लिया है. अब उसके साथ हम एक प्रिजर्वेटिव कंपोनेंट भी ऐड करते हैं. अब यहाँ नमक तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि सॉल्ट ऐड करेंगे तो स्वीट एंड सॉल्ट खराब हो जाएगा सब कुछ. तो यहाँ पर जो एज अ प्रिजर्वेटिव हम इस्तेमाल करते हैं, एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव हम ऐड करते हैं हनी के अंदर, वो हम शुगर ऐड करते हैं. तो हाउ मच क्वांटिटी आपको शुगर का ऐड करना है हनी के अंदर ताकि वो प्रिजर्व रहे, तो यहां आपने आंसर लिखना है, दैट इज कितना परसेंट, बताओ भाई कितना परसेंट, 82% इज द राइट आंसर. ओके, 82% आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे, 82% शुगर को ऐड किया जाता है इन द हनी एज अ प्रिजर्वेटिव, एज अ केमिकल, नेचुरल केमिकल प्रिजर्वेटिव. ओके, और प्रिजर्वेटिव मेथड्स, एडिटिव्स के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं आपका नॉर्मल क्लासेस में, तो आप वो सेशन भी पूरा विजुअलाइज कर लीजिएगा. और डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी बैचेस जो आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं 1 नवंबर से उनमें, तो अगर आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस एस्पिरेंट हो एंड यू वांट टू बी आर टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर इन फ्यूचर, तो आप इन बैचेस में एडमिशन लेके अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो. राइट, चलो ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन. विटामिन डी इज केमिकली नॉन एज, यस, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन में दिया हुआ है. तो चारों ऑप्शन क्या है, चारों ऑप्शन ही वाइटामिन के नेम है. ठीक है, चारों जो ऑप्शन यहाँ पर मैंशन किए गए हैं ये सभी वाइटामिन के ही नेम है. तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वाइटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है.
आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, बताओ भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताओ। चलिए देखिए, देखो यहां पर अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि विटामिन डी का केमिकल नेम बताओ, तो विटामिन डी का केमिकल नेम होता है आपका कैल्सिफेरॉल, राइट। कैल्सिफेरॉल कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको टाइम मिल गया कि आप सभी अदर ऑप्शंस पर भी वर्क कर पाओ। तो जब भी मैं विटामिन्स के बारे में आपको समझाती हूँ, तो विटामिन्स को बेसिकली टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। विटामिन्स को बेसिकली टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। वन इज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड अदर वन इज फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। वन इज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड अनदर वन इज फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ओके। तो जब भी कभी हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की बात करते हैं, बिफोर दैट यू हैव टू नो कि आपको ये चीज भी क्लियरली पता होने चाहिए कि अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स की, तो आपका टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स होते हैं 13, ठीक है। 13 आपके टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स होते हैं, वेयरएज जिसमें वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो ये आपके 9 होते हैं और बचे हुए 4 आपके फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स आपका विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ऑल दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। वेयरएज वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो विटामिन सी और अलग से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ओके। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है अलग से 8 विटामिन्स को। चलिए इस क्वेश्चन में आपसे विटामिन डी का केमिकल नेम पूछा था, दैट इज कैल्सिफेरॉल। इसी के साथ एक और चीज आपको याद रखनी है कि विटामिन डी इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही विटामिन फॉर्म होता है। सनलाइट की जरूरत सिर्फ इसको एक्टिवेट करने के लिए, जो कंपोनेंट है कैल्सिफेरॉल, इसको एक्टिवेट करने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको सूरज से, जो आपको बोलते हैं ना कि सन बात लो, धूप में बैठो, तो धूप में बैठने से ये होता है कि विटामिन डी जो आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो चुका है, ये उसको एक्टिवेट कर दे। और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में होती है फॉर द ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, बोन्स के ऑसिफिकेशन के लिए, एंड इन द सेम वे आपको आपके बोन्स के स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। चलो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। रेटिनॉल की अगर हम बात करते हैं, रेटिनॉल इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, यस इट इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। एंड कोबालामिन इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन, कौन सा, विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 का केमिकल नेम कोबालामिन है। एंड टोकोफेरॉल इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, ओके। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। चलिए अब एक चीज आप लोग सुनेंगे स्टूडेंट्स, जो भी हम यहां पर अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी यहां पर डिस्कस हो रहा है, तो आपके होमवर्क क्वेश्चन, हर एक सेक्शन में होमवर्क क्वेश्चन ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, होमवर्क क्वेश्चन तो मस्ट है। तो आप लोग मुझे इन तीनों विटामिन्स का जो यूज है, ठीक है, इन तीनों विटामिन्स का हमारे बॉडी के अंदर जो यूज है अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, यू हैव टू टेल दिस, ठीक है, आपको ये मुझे बताना है इस क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए स्क्रीन पर ये रहा कि लाई पीलिंग इज डन एट अ टेम्परेचर ऑफ, किस टेम्परेचर पर लाई पीलिंग करते हैं बताइए। लाई पीलिंग इज अ टाइप ऑफ, आपने हाई टेम्परेचर कंडीशंस को प्रोवाइड किया पील आउट करने के लिए, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ मैथड ऑफ प्रिजर्वेशन, हमने प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मैथड्स किए हैं एंड दिस वन इज वन अमंग दैम। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि लाई पीलिंग इज डन एट अ टेम्परेचर ऑफ, किस तापमान पर लाई पीलिंग प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है ताकि आपके फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया जाए। तो द आंसर इज 93 डिग्री सेल्सियस। तो जो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, और वो याद कैसे होंगे, जब आप थ्योरी क्लासेस में आकर पूरा कंसेप्ट समझ लोगे, ठीक है, जब आप थ्योरी क्लासेस का पार्ट बनोगे, कंसेप्ट को समझ लोगे, तो ये चीजें याद करना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैपिड प्री कूलिंग मेथड, देखो लास्ट क्लास में यानी कि आपका जो 3rd of November को जो क्लास हुआ था, 3rd of November को जो आपका क्लास हुआ था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ वाटर इवेपोरेशन, ठीक है, हमने ड्राइंग मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, मैंने आपको कंडक्शन के बारे में, कन्वेक्शन के बारे में और रेडिएशन प्रोसेस के बारे में बहुत डिटेल में समझा दिया था। और यहां आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैपिड प्री कूलिंग मैथड, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप पहले ही कूल कर देते हो, रैपिड क्विकली कूलिंग कर देते हो। द आंसर इज हाइड्रो कूलिंग। तो हाइड्रो कूलिंग इज अ राइट आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। और लास्ट में आपसे हाइड्रो कूलिंग का मेथड पूछा था, तो हाइड्रो कूलिंग के अंदर आप क्या कर रहे थे, हाइड्रो कूलिंग के अंदर हमने क्या था,
कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन का डिफरेंशिएशन समझा था और कंडक्शन वाज द आंसर, कंडक्शन आपका सही आंसर था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कुकुम्बर चिलिंग इंजरी सिम्टम्स अकर्स एट, किस टेम्परेचर पर चिलिंग सिम्टम्स अकर करते हैं. ठीक है, जब भी आप बात करते हो कुकुम्बर के बारे में, कुकुम्बर इज योर वाटर फील्ड कॉम्पोनेंट, इससे आपका जो आपके बॉडी को हाइड्रेशन मिलता है. ठीक है, इसके इससे आपके बॉडी को हाइड्रेशन मिलता है. कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये आपका प्लाज्मोलाइसिस भी शो करता है. अगर आप खीरे को सैलेड फॉर्म में कट करके उसके अंदर आप सॉल्ट को स्प्रिंकल कर दोगे तो कुछ टाइम के बाद वो वाटर जो है उसके अंदर से डिटेन करने लग जाता है. ठीक है, वाटर से बाहर निकलने लग जाता है. तो यहां क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि चिलिंग इंजरी सिम्टम्स अकर्स एट, किस टेम्परेचर पर चिलिंग इंजरी सिम्टम्स अकर करते हैं कुकुम्बर के अंदर. द आंसर इज व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस. ओके, व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस. 7 डिग्री सेल्सियस अगर कम टेम्परेचर पर आपने कुकुम्बर की क्रॉप को कल्टिवेट किया है, कुकुम्बर के जो क्रीपर्स हैं उनको लगाया है, तो उनमें चिलिंग इंजरी स्टार्ट हो जाएगी. डीग्रीनिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन, डीग्रीनिंग इनमें से कौन से पर्टिकुलर फ्रूट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके लिए आप डीग्रीनिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. बनाना, गवावा, मैंगो या फिर सिट्रस. व्हाट वुड बी द आंसर, गवावा इज द राइट आंसर. गवावा है ये फ्रूट के लिए आप डीग्रीनिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑर्किड्स कैन बी स्टोर्ड अप टू 2 वीक्स एट, ऑर्किड्स को आप स्टोर करके रख सकते हो. ठीक है, ऑर्किड्स को स्टोर करके रखा जा सकता है, किस टेम्परेचर तक स्टोर करके रखा जा सकता है, 2 to 4 degrees Celsius, 5 to 7 degrees Celsius, 7.5 to 10 degrees Celsius या फिर टेम्परेचर मोर देन 10 degrees Celsius. व्हाट वुड बी द राइट आंसर, जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा. नॉर्मल कंडीशंस में ऑर्किड्स को आपने स्टोर करके रखना है 2 हफ्ते तक, तो कितना कंडीशन, कितना टेम्परेचर कंडीशन आपको प्रोवाइड करना चाहिए सो दैट जो फ्लावर्स हैं और जो ग्रोथ है उसकी फ्रेशनेस जो है मेंटेन रहे, फ्रेशनेस पर कोई बैड इंपैक्ट ना पड़े. तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 5 to 7 degrees Celsius टेम्परेचर, 5 to 7 degrees Celsius टेम्परेचर. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में इतना आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना. आप देखो ये ना ज्यादा, ये आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है. ठीक है, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर आप हाई टेम्परेचर करोगे तो जो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है वो पूरी तरह से आपका वॉश आउट हो जाएगा. अब मॉइस्चर कंटेंट पूरी तरह से वॉश आउट हो जाएगा तो जो फ्रेशनेस है ऑर्किड्स की वो नहीं रहेगी. अगर इससे कम टेम्परेचर आप करोगे तो इट विल लीड्स टू चिलिंग इंजरी काइंड ऑफ सिचुएशंस. ठीक है, चिलिंग इंजरी काइंड ऑफ सिचुएशंस यहां पर डेवलप हो जाएगी एंड दैट विल आल्सो डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ ऑर्किड्स. इससे भी आपके जो ऑर्किड्स की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी. तो द बी वुड बी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट इज, इसके ऑप्शंस को रीड करो भाई, ऐसा क्वेश्चंस देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट. मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, मुझे तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा. इस क्वेश्चन को रीड करो, इस क्वेश्चन को रीड करने का मैं आप लोगों को 2 मिनट्स का टाइम देती हूँ. रीड करके अच्छे से इस क्वेश्चन का, 2 मिनट ज्यादा हो गया, 1 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब. देखो क्या है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बिहाइंड ओवन ड्राइंग. यस, हम ओवन ड्राइंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं ना, हम ओवन ड्राई करके रख देते हैं अपना प्रोडक्ट्स को, फूड प्रोडक्ट्स को, ताकि वो उसके अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो. तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी एजेंट के तौर पर हम ओवन ड्राइंग का भी इस्तेमाल करते हैं. वेयर एज हम लोगों ने बहुत सारे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के बारे में भी स्टडी किया है. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बिहाइंड ओवन ड्राइंग फॉर डिटरमाइनिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड. किसी भी फूड कंपोनेंट का मॉइस्चर कंटेंट आपको डिटरमाइन करना है. ठीक है, ओवन ड्राई करके तो कौन सा प्रिंसिपल इस पर एक्ट करता है, लॉस ऑफ वाटर रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ वेट. देखो जितना पानी कम हो जाएगा, एक बात सुनो, अगर किसी चीज को आप ड्राई कर दोगे तो जो पहले उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट था वो अब आप ड्राई करने के बाद उसका वेट वे करोगे ना, तो वो आपको क्या दिखेगा, आप कम दिखेगा. ठीक है, तो जितना वेट लॉस हुआ है यानी कि पानी का भी उतना ही लॉस हुआ है. पहले आपने फ्रेश किसी फूड को लिया, उसका आपने उस वक्त पे वे करके देखा कि कितना वेट है, तो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से उसका वेट ज्यादा होगा. जब आपने उसको ओवन में ड्राई कर दिया उसके बाद जब आप उसका वेट चेक करोगे तो वेट उसका कम मिलेगा. तो हम लोग जब कॉलेज में थे, व्हेन वी हैव टू डू ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स, तो इंक्यूबेटर्स के अंदर रखा जाता था, सीड जर्मिनेटर्स के अंदर रखा जाता, तो एक टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर को सेट कर देते थे. पहले हम ट्रीज से प्लग करके लाते थे सीड्स को, फिर उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि अभी वो जब आपने उसको
प्लग किया तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन रहेगा। आप फिर उसको ओवन में ड्राई करने से पहले आप उसका टेम्परेचर, आप उसका वेट चेक करते हो कि कितना वेट है। ग्राम्स में डिफरेंस आता है, बट डिफरेंस आता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो डिफरेंस किस वजह से आता है? द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट जो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट अगर कम हो जाएगा तो वेट भी कम हो जाएगा। ओके, चलो ये चीज समझ में आ गई है, बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, कलर चेंज का कोई मेजरमेंट का कोई रूल नहीं है, कलर चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज मेजर, चेंज इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मेजर, चेंज इन लाइट एब्जॉर्बेंस इज मेजर। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसी के अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे। जो प्रिंसिपल एक्ट करता है ओवन ड्राइंग प्रिंसिपल के पीछे, उसका आंसर बताओ भाई। कलर चेंज आपका रिक्वायर्ड हो सकता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को आप इस्तेमाल करें, लेट्स से आप सल्फर डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहे हो फ्रूट जूसेस को प्रिजर्व करने के लिए, लाइक पोमग्रेनेट के जूस को, अनार के जूस को प्रिजर्व करने के लिए आप उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड को ऐड कर दो, आप देखोगे कुछ समय के बाद अनार के जूस का कलर चेंज हो जाएगा, वो डिसफिगर हो जाएगा, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड हैव अ ब्लीचिंग इफेक्ट, वो उसको ब्लीचिंग एक्शन करके उसके कलर को वहां से बिल्कुल खत्म कर देगा। तो अलग अलग प्रोसेस और अलग अलग मेथड्स के लिए हम अलग अलग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड वेयर एज अगर आप अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स के प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उसके लिए भी हम अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के पास स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल मैथड कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश फ्लेवर कॉम्पाउंड्स। ओके, फ्लेवर कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करना है। आप किसी फ्रूट को टेस्ट करते हो, आप किसी मार्केट से किसी स्क्वैश को लेकर आते हो, ठीक है, लेमन स्क्वैश, आपका एप्पल स्क्वैश, अलग अलग ये जूसेस होते हैं, नेक्टर्स जो आपका कंसेंट्रेटेड फॉर्म में स्क्वैशेस होते हैं, आप उसका एक स्पून टेस्ट करते हो, पता लग जाता है कि ये आपका लेमन स्क्वैश है, पता लग जाता है कि यार इसके अंदर रूह अफ़ज़ा में इसमें ये वाला जो कॉम्पोनेंट है वो ज्यादा एडेड है, राइट। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल मेथड, वह कौन सा एनालिटिकल मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है फ्लेवर कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, कि ये जो इस, जैसे आप ओरियो जूस पीते हो, ठीक है, आप टूटी फ्रूटी जूस पीते हो, मतलब शेक लेते हो, ओरियो शेक लेते हो तो उसका आपको फ्लेवर अलग लगता है, ठीक है, वहीं पर आप चॉकलेट शेक लेते हो उसका फ्लेवर अलग लगता है, तो वह कौन सा एनालिटिकल मेथड है जो आपके अलग अलग फूड कंपोनेंट्स और फूड कंपोनेंट्स के फ्लेवर को डिटरमाइन करता है। तो दैट मेथड इज हाइड्रोमेट्री। उस मेथड का नाम क्या लगाएंगे? हाइड्रोमेट्री लगाएंगे। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, पोलैरिमीटरोग्राफी के बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुका है। और जो आपका अलग अलग मेथड्स होते हैं फ्लेवर डिस्टिंग्विश करने के लिए, वो हम एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव के सेक्शन में बहुत डिटेल में करने वाले हैं। इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स तो यू कैन कम प्रिजर्वेटिव्स की क्लासेस को अटेंड कराओ, और उसके साथ साथ अभी जो डिटेल में आपका बैचेस में मैं समझाने वाली हूँ उसके साथ उसका भी हिस्सा बन जाओ, ठीक है, तभी आपको सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। सॉरी, गैस क्रोमेटोग्राफी इज द राइट आंसर, ठीक है, हाइड्रोमेट्री नहीं, गैस क्रोमेटोग्राफी होगा भाई इस क्वेश्चन का सेंस, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है, हाइड्रोमेट्री नहीं, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाँ, क्रोमेटोग्राफी कलर के लिए क्रोमेटोग्राफी होता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, वॉटर के लिए होता है हाइड्रोमेट्री, हाँ, जब आप बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो वी यूज द मेथड दैट इज हाइड्रोमेट्री, और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं तो आप बात करते हैं हाइड्रोमेट्री के बारे में। वेयर इज व्हेन यू टॉक अबाउट द कलर कंपोनेंट्स, ठीक है, कलर कंपोनेंट्स और पिगमेंट्स के बारे में जब आप बात करते हैं तो उस वक्त हम बात करते हैं किसके बारे में, आप गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हो भाई, आई एम रियली सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर ये लगाना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अ क्विक टेस्ट फॉर शुगर कंटेंट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द ब्रूइंग प्रोसेस फॉर बियर फॉर्मेशन। ठीक है, ब्रूइंग प्रोसेस मेंशन ही कर दिया है, ब्रूइंग प्रोसेस यानी कि अल्कोहल ड्रिंक्स के प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल लेवल पर अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए आप फर्मेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो, राइट, फर्मेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो कि जिस माइक्रोऑर्गेनिज्म का यहाँ पर हेल्प लिया जाता है दैट इज अ ईस्ट, वो एक ईस्ट है, यूनिसेलुलर ईस्ट है, ओके विद दैट, उसका नाम क्या है अगर आपसे पूछा जाए, जिस ईस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल अल्कोहल्स, तो हम जिस ईस्ट का नाम इस्तेमाल करते हैं दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, उस ईस्ट को हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसी कहते हैं, दिस इज द नेम ऑफ द ईस्ट, और इसी को ही ब्रिवर्स ईस्ट भी कहा जाता है, इसी को ही ब्रिवर्स ईस्ट भी
कहा जाता है। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को। और जिस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं क्विक टेस्ट के लिए शुगर कंटेंट कितना प्रेजेंट है अर्ली स्टेजेस में, द मेथड नेम इज क्या है, उस मेथड का नाम हाइड्रोमेट्री। ठीक है, हाइड्रोमेट्री है उस मेथड का नाम जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ओके, तो हाइड्रोमेट्री आप इस क्वेश्चन का सही आंसर लगा देंगे। What is the percentage of acetic acid in commercially available? What is the percentage of acetic acid in commercially available vinegar? Vinegar जो commercially available होती है, जिसको हम as a preservative इस्तेमाल करते हैं, taste enhancer के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जो आप fast food consume करते हो उसमें ये taste enhancer के तौर पर भी आप इसको add करते हो, जो आप घरों में अचार बनाते हो पिकल्स के डेवलपमेंट में और फॉर्मेशन में आप लोग इसको ऐड करते हो, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक देता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो यहाँ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इन कमर्शियली अवेलेबल विनेगर, तो 6% होता है। कमर्शियली अवेलेबल विनेगर के अंदर 6% आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है,